स्कॉलरशिप फॉर्म में NPCI सत्यापन उन्हीं लोगों का नहीं हो पा रहा है जिनके बैंक अकाउंट में आधार शीडिंग एक्टिव नहीं है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं और आधार शीडिंग एक्टिव कैसे करा सकते हैं, उसी का प्रोसेस इसमें दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं तो उसकी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, देख कर आप फॉर्म को खुद से भर सकते हैं। अब क्रोम ब्राउजर में माई आधार सर्च करना होगा। फर्स्ट साइट माई आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नाउ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको लॉग इन के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा, कैप्चा जैसा शो हो रहा होगा यहाँ पे इंटर करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। आधार लिंक मोबाइल पर OTP का होगा, OTP यहाँ पे इंटर करके आपको लॉगिन पे टिक कर देना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे साइड में आपकी फ़ोटो बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको साइड में बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे आपको एरो के बटन पे क्लिक करना होगा। आप देखेंगे नो बैंक रिकॉर्ड फाउंड, इस आधार से कोई भी बैंक सीडिंग अकाउंट जो है एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे इनएक्टिव शो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके लिए आप बैंक विजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आपको इसको पहले लॉग आउट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको DBT सर्च करना होगा क्रोम ब्राउजर में। DBT का फर्स्ट इंटरफेस शो होगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। आधार UIDAI पहला साइट होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे पहला साइट है सिटीजन कॉर्नर, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे बैकग्राउंड ऑन आधार शीडिंग ऑन NPCI, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे तीन पेज में ये जो है आपका फॉर्म शो हो जाएगा। तीसरा पेज आपको यहाँ से जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा तीसरे पेज का, या फिर ये आपको जो है डायरेक्ट बैंक में मिल जाएगा। इसको जो है प्रिंट आउट करके इसको जो है आपको पूरा कंप्लीट फिल कर लेना होगा। इसके साथ आपको जो है अपना आधार का 2 कॉपी और अपने जो है बैंक अकाउंट का 2 कॉपी लगा के जो है बैंक में ले जाना होगा। वहाँ से आपका जो है आधार शीडिंग एक्टिव कर दिया जाएगा।